जो हमारे राष्ट्र का सौदा था इन्होंने बेचा तेल इन्होंने बेच दिया एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया और जिन क्या क्या बेच दिया और किसी पे थोड़ा सा भी दो चिलम गांजा या फीम मिल जाए शाहरुख खान का लड़का था कौन था बेचारा वो सब पकड़ लाए ये तो अन्यायी उनका राज हो गया न्याय नहीं करेंगे इलेक्शन में होगा तो तो उसको वापस लेंगे इलेक्शन नहीं है तो कोई मर जाए कोई किसी को काट दे तो कौन सा है वो बेचारा चर के मर गए लगे रहे वो हम कर्नाटक के और फिर क्या कहता है मेरे ऊपर मर गए ये प्रधानमंत्री की सवाल है ये किसने बैठा दिया इस चार पास को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ऐसे बोलेगा ये तो ये है तोड़ फोड़ हो कितना भी आदमी मर जाए खून खराबा हो जाए पर हमारी कोसी बलात्कार में उत्तर प्रदेश फर्स्ट टाइम पूरे भारत और बताइए ये कहता है जीरो टोलेंस है यहाँ पे तो, क्या जीरो टोलेंस है तेरी पानी धरने के समय में जब आ, कहीं ना कहीं बिल वापस नहीं लिए गए थे तो किसानों ने बॉर्डर को ब्लॉक किया था अब तेईस चौबीस दिन यहाँ भी हो गए हैं अब किसान क्या करने वाले थे, 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 थे? थे भाई हम एक बात कहते हैं हमारे ऊपर हमारे खाप चौधरी है जी हर खाप से फिर ये जो हमारे यूनियन के मालिक है सी टू कहा है उनको वह सबको नाम एस के एम वो सारे जो फैसला करेंगे वो जैसे कहेंगे वो हमारे शरमा थे पे उसका पालन करेंगे यहाँ तो ये बात है हम अपनी अपनी तुमको बात नहीं बताएंगे किस तारीख के महापंचायत हो रही है वहाँ में ये है ये हरियाणा में जीन तो नहीं है उसका नाम ऐसा है महम में महम में महम में, में, में हो रही है जब वहाँ से फैसला आ जाएगा वही मान्य होगा यह है बात और कोई हम अपनी बात कह दे तुमसे हम ये करेंगे हम कैसे कर देंगे वो तो करेंगे हम वो उन्होंने टाल दिया इस सरकार को कि ये सरकार की कोई सदबुद्धि आ जाए पंद्रह दिन पीछे के लिए डिले किया है इसलिए नहीं वो तो वो सोलह तारीख तारी की कई तारीख की जुड़ी वो पंचायत पाँच छः तारीख की पंचायत जुड़िए इक्कीस का कर दिया सात को जुड़िए तो ये इसीलिए तो डिले किया भाई डब्लू एफ आई जो है वो भंग हो चुकी है पर से नीचे उतर गए अब क्या दिक्कत है क्या चीज़ थी उसमें तो ये पाँच छः महीना का आप ही हट जाता पाँच छः महीने पीछे इसे भंग करनी थी और ये ईमानदार आदमी था ये कह देता भाई मुझ पर आरोप लग गया है मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता इसे कोई नहीं मानेगा इनके बाजीगर पने को सबको समझ गई ये जनता जो ये बाजीगर बने और झूठ बोलते हैं झूठ यहाँ नहीं चलेगा न्याय करिए हमें यहाँ सड़क पर सोकर देखिए वो सोइए कोई सड़क पर आकर के स्थाती सड़क पर जो ये पड़े हैं किसान हमारी बेटी जो बेचारी जिन्हें अपने अखाड़े में होना चाहिए जिन्हें अपनी कसरत करनी चाहिए उनको आज तेईस दिन हो गया और कि और किस को न्याय कैसे मिलेगा भाई यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ आंधी पीस रही है कुत्ते खा रहे हैं ये डोर बन गया इस देश में तो आंध्री बेचारी चून पीस रही है कुत्ते खा जाते हैं उसके ये तो सबे सटक गए देश के सौदा को जो हमारे राष्ट्र का सौदा था रेल इन्होंने बेचा तेल इन्होंने बेच दिया एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया और जन क्या क्या बेच दिया और किसी पे थोड़ा सा भी दो चिलम गांजा या अफीम मिल जाए शाहरुख खान का लड़का था कौन था बेचारा वो से तो पकड़ लाए और यहाँ इतनी अफीम और जन क्या क्या पकड़ा जा रहा है उसका कोई नाम हिसाब नहीं ये तो अन्यायियों का राज हो गया है यहाँ तो कभी सुना था कि कभी रामड़ हुआ ये रामण राज है यहाँ किसी की सुनाई नहीं है आँख रखी किस्तान जो धरना था कथिन धरना था उस समय यूपी के इलेक्शन आने वाले थे तो उसको चलते कहीं ना कहीं बिल वापस हुआ अब तो कोई ना कोई अभी इलेक्शन भी पास में नहीं है तो क्या समझते हैं ये इलेक्शन से या यही करेंगे कि हम सदा जीतते रहें और ढपली बजा के इन्हें न्याय नहीं करेंगे इलेक्शन होगा तो, तो तो उसको वापस लेंगे इलेक्शन नहीं है तो कोई मर जाए कोई किसी को काट दे वो कौन सा है वो बेचारा जर के मर गए लगे रहे वो हम कर्नाटक के मणिपुर है कहाँ मणिपुर में जन कितना मनुष्य मरा है बेचारा आदमी मरा है क्यों नहीं रोका उसे ये तो ये मर जाओ जो मर रहा है इसने तो जब मलिक साहब ने इनसे कहा प्रधानमंत्री जी देखिए यहाँ सात सौ से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं बॉर्डरों पर मारे गए हैं आप इन बिलों को वापस लो और इनको संतुष्ट करके उठाइए तो इसका जवाब क्या था जो हमारे पेट में इसकी रोटी है किसान का बिल कौन करता है किसान सबको फल देता सब्जी देता दूध देता और फिर क्या कहता है? मेरे ऊपर मर गए ये प्रधानमंत्री की सवाल है ये किसने बैठा दिया इस चार पास को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ऐसे बोलेगा उसके लिए छोटा बच्चा भी अपना पंडित जी से पंडित जी जवाहरलाल नेहरू इस देश के फर्स्ट प्रधानमंत्री बने मैं जब छः सात में पढ़ता था जब वो बेचारे डेथ हुआ आठ में था जब लाल बहादुर शास्त्री बैठे तो उनसे क्या कहते थे चाचा जवाहर पूरे हिंदुस्तान का बच्चा चाचा जवाहरलाल वो अपना बच्चा मानते थे पूरे हिंदुस्तान को ये हैं प्रधानमंत्री ये तो रही हैं तानाशाही नहीं चलेगी बोलेगा वो जेल जाएगा ना तो पाकिस्तान जाइए ये कब तक होगा भाई ये तो देश ने कुर्बानी दी है फिर कुर्बानी दे देंगे पर देश को आज़ाद करके रहेंगे इन गुलामों से ये तो गुलामी वाले थे इनका भीड़ सावर कर साठ रुपये महीना लेता था अंग्रेजों पर ये तो अंग्रेजों को पिट्ठू हैं जो आज देश पर राज कर रहे हैं ये अंग्रेजों को देते थे फलाना आदमी वहाँ ढेंका साठ रुपये महीने उस समय मेरे अंदाज थे तो जज के भी नहीं होंगे जो उसको देते थे वीर जिसको ये वीर साबर कर बताते ये समझने का काम है और सब अपने दिमागों को खोल लो यहाँ हमारी मोदी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बीजेपी से हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं और हमारी एक वोट से ना कोई जीतेगा ना हारेगा पर पूरे देश को सोचना है इस बात के लिए एक हमने ये ये नहीं बनाए एक तुम बजरंग बली के जयकारे बोलो बोल जय श्री राम क्या आप ही मास्टर हो जय श्री राम के बच्चे को उसका माँ बाप भी बताता है जब वो बच्चा समर्थ हो जाए बेटा सबसे राम राम करियो बेटा जब तुम निकल के जाए सब तो वही माँ बाप ही बता देता है उसके पास जिसको गुरु बनाते वो बता देता है ये हिंदू बना रहे हैं वो लोग हिंदू कैसे जिसका धर्म है या धर्म से अलग है राजनीति ये धर्म से जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं है कि हिंदू भटक चुका है उनको रास्ते पर लेकर आ रहे हैं जय श्री बुलवाकर बाबा संविधान में अंबेडकर लेके गया है ये पॉलिटिक्स बाजी ये धर्म से अलग का विषय है राजनीति धर्म में नहीं आनी चाहिए पर यहाँ के कौन किससे कहने वाला कोई है नहीं एक भाई तुम धर्म की बात क्यों करते हो और किसी ने कुछ थोड़ी उस बेचारे पे वो जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उस पर कोई बात निकल गई उसी का गीत बना लिया इन इनपे कितना भी निकल जाए ये कुछ भी कहे इनकी सब माफ है उसने फिर बेचारे ने ये कहा मेरी उससे किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूँ वो है समझदार आदमी ये तो माफी मांगने का तो इनको तो प्रश्न ही नहीं है कि माफी मांगेंगे ये तो ये है तोड़ फोड़ हो कितना भी आदमी मर जाए खून खराबा हो जाए पर हमारी कुर्सी न जाए अरे मोदी जी समझ लिया ये देश उन्हीं शहीदों का देश है जिसपे तू राज कर रहा है ये देश सबका देश है यहाँ छोटे बड़े जब गरीब को वही दर्जा मिलना चाहिए प्रधानमंत्री ने गलती की है छेड़छाड़ की है या कोई किसी जुर्म में फंस गया है तो जेल जाएगा और जो छोटा आदमी ने गलती की है तो वो भी जाएगा वही अधिकार है छोटे को और बड़े को तो ये यहाँ चल नहीं रहा इसे मिटाने के लिए ही देखिए ये पचास साल तक हिम्मत नहीं पड़ेगी अगर हमारे देश लग गए और ये बेटियों को जिता कर दुष्ट को जेल में डाल दिया तो पचास साल तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी छेड़खानी की जब ऐसे दुष्ट जल्लाद जेल में चले जाएंगे तो यहाँ सारे न्याय होता है यहाँ अन्याय नहीं होगा यहाँ यह होना चाहिए चाहे कोई कितना भी शक्तशाली है शक्तशाली किसी के आबरू लेगा अरे राजी से जन किसका क्या हो रहा है तो वो तो बात दूसरी है ये थोड़ी है बिना राजी गैर राजी हम किस किसी के साथ छेड़खानी करें कोई गैल में जस्ता में जा रही है बेटी बेटी सुख से जाए वैसे योगी जी ये कहते हैं मेरे राज्य में बारह बजे बच्ची कहीं चली जाए बारह बजे चली जाएगी अभी कल परसों एक भाई डिबेट दे रहा था कोई कन्नौज है में, में कन्योज 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 एक जन कहाँ में कन्नौज में एक लड़की की, की।, की।, की काट दिए यहाँ से हाँ। और उसके साथ बलात्कार हुआ है उसकी आंख फोड़ दी कन्नौज तेरे, तेरे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट योगी के उसमें है कहाँ है राज्य में उसके में कहाँ के बलात्कार में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है पूरे भारत में और बताइए ये कहता है एक जीरो टॉलरेंस है यहाँ तो क्या जीरो टॉलरेंस है तेरी कोई मतलब है ही नहीं अरे योगी में ही नहीं है यार योगी तो वे बताइए योगी ने क्या किया है ये तो पुलिस को दे दिया सारा मामला अपने ओर से तुम्हें एक बात बताता हूँ मायावती का भी राज आया अखिलेश का भी राज आया मायावती के उसमें जो टाइट थे अफसर वो है ही नहीं मनमानी हो रहा है खुलेआम घूस लेते हैं पैसे लेते हैं अब कोई डरता ही नहीं किसी से इतने पैसे चाहिए पैसे दो तो काम करवाओ ना जाइए कहीं मैं बता रहा हूँ मुख्यमंत्री का अपना कोई हिसाब नहीं है मुख्यमंत्री तो बस इसी पे तू धर्म के नाम से जीत तो रे मंदिर की कह दीजो अब के से शिवलिंग बता दी एक से शिवलिंग जन कहाँ आगरा आग में एक जन या आगरा की मैं जामा मस्जिद को तोड़िए अरे इन कर्मों से क्या हो जाएगा परमात्मा ये है सब जानते हैं आप तो आप लोग यहाँ पर कब तक रहोगे फिर आप अरे मेरा लंबा खींच गया तो मेरा काम यह है मेरा काम ये है मेरी उम्र पचहत्तर साल की हो गई मैंने दो दो हजार मन गेहूँ उठाए मेरे और मेरे भाई और मेरे घर वाली और उस मेरे भाई की घर वाली एक दो मेहनती रखते थे मैंने तो कमा लिया बच्चों से कह दिया भाई मैं अब काम नहीं करूँगा साल मैं तुम्हारी पेट भरने में लग रहा तुम समर्थ हो गए अपने आप कमाइए खाइए मैं ये जो जीवन है ऐसे अत्याचार के खिलाफ सदा ठड़ा रहूँगा जब तक जो शरीर में जान जब तक खूब लड़ूंगा अत्याचार के खिलाफ जहाँ कोई भी कैसा भी अत्याचार करेगा मैंने ये मकसद बना लिया है अपना हम जबरदस्ती किसी भाई से बैर क्यों करें बैर हमारा किसी से नहीं है पर गलती मेरा नाती बेटा भी करेगा तो बेटा जेल जाइए जेल का रास्ता है भाई हम क्यों बचाएं तो नहीं गलती की आप मैं क्यों हाथ जोड़ूँ किसी गलती क्यों करते हो गलती करना नहीं चाहिए मैं तो ये कह रहा हूँ